नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जेपी नड्डा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया है। बता दें, सभी भाजपा के सदस्यों ने स्वीकार कर जेपी नड्डा को जून 2024 तक के लिए भाजपा के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है। विवेक, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था ये किसके द्वारा रखा गया? देखिए मयूरी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, और सभी सदस्यों ने इस पे अपनी सहमति दी है। हम आपको बता दें कि 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बने थे, और उसके बाद से दूसरी बार है जब कार्यकाल को बढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है और एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 सालों की अवधि के लिए होता है। मेमोरी में आपको बता दूं कि इसके पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह दो कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे कर चुके हैं, और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस बात को कहा है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में संगठन और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, क्योंकि इस बीच जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो कोरोना महामारी के चलते भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता जो अभियान थी उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई थी, वो अभियान का जो है थम गया था। इसके बाद से जो है लगातार गुजरात में चाहे आप ऐतिहासिक जीत देख लीजिए कि बीजेपी ने पहली बार जो है इतनी ऐतिहासिक जीत, करीब 150 से ज्यादा सीट गुजरात में जीती है। हिमाचल में बड़े वो चुनाव हार गए हो, लेकिन बाकी जगहों पर उनका प्रदर्शन बढ़िया था, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुमत की सरकार बनी है, दोबारा आई है, 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसकी भी सफलता जेपी नड्डा के द्वारा लिखी गई थी, और जिस प्रकार से सारी तमाम चीजें अच्छे चल रही थी कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जाएगा, कई दूसरे नाम भी चल रहे थे, उसको फिर से खारिज कर दिया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमित शाह ने की है, और जमकर प्रशंसा अमित शाह ने जेपी नड्डा की है, बाकायदा उनको एक हार पहनाते हुए कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में, और 2023 में कुल 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 5 छोटे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद थे, तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे, और सभी सदस्यों ने मिलकर प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो 2023 में वो 9 विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि अगर नेतृत्व बदला जाएगा तो तमाम तरीके जो है वो चीजें खराब हो सकती हैं, संगठन में एक संदेश जा सकता है कि हिमाचल की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक, जो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो उससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, क्या कुछ मजबूती देखने को मिलेगी? देखिए, अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तरीके से बात कही है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में संगठन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के शिखर को छुआ है, गुजरात में ऐतिहासिक जीत जो है वो जेपी नड्डा के नेतृत्व में मिली है, इस प्रकार की बातें अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही है। इसके बाद जो है जो आने वाले चुनाव है विधानसभा चुनाव के 2023 में, तो ये जो साल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम साल है, क्योंकि इन सभी 9 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा करना होगा, क्योंकि अगले साल ही जो है विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को खतरा मोल लेना ही जाती है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा लक्ष्य है कि वो तीसरी बार लगातार केंद्र में अपनी सरकार बनाए, इसलिए 2023 का जो साल है, जो आने वाले चुनाव है, और जो जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है इसलिए बढ़ाया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को इन सभी चुनाव में सफलता मिले, और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संगठन और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हो सके, कार्यकर्ता और भी ज्यादा मजबूती के साथ काम करे कि लगातार किसी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व से बने। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।